मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर है, आपको मैं गारंटी दे कर सकता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा खाना। आपको जो लगता है कि क्या यार बाहर जाएंगे वैसा हॉस्टल वाला खाना मिलेगा, वैसा टाइप का नहीं है। ड्रीम को अचीव करने का एक ही बस लास्ट पॉइंट है, तपस्या। यहाँ दोबारा आया हूँ उसका कारण ये है कि उनका बच्चों के प्रति जो लगाव है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए हॉस्टल दिखाने, तो सबसे पहले चलिए हम आप लोगों को इस हॉस्टल का लोकेशन दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बच्चों से बात करेंगे। मैं आपको इसका लोकेशन बता दूं तो ये एन कॉलेज के जस्ट अपोजिट विवेकानंद मार्ग में आते हैं, उससे आकर थोड़ा सा लेफ्ट होएंगे तो फिर ये गार्जियन बॉयज हॉस्टल आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसी हॉस्टल में बच्चे से जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खास माहौल देता है गार्जियन बॉयज हॉस्टल। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने हैं और देखें हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डुअल सीटर रूम होने वाला है और ये भाई पढ़ाई कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये हॉस्टल? ये हॉस्टल बाकियों के हॉस्टल के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि आप क्लीन इन्वायरमेंट देख सकते हैं, ठीक है। आपको बाथरूम सेपरेट मिलता है जो कि बहुत ही रेगुलरली क्लीन किया जाता है, ठीक है। ऊपर से बालकनी है और जहाँ तक मुझे लगता है ये बेस्ट इन द क्लास है, क्योंकि इसका प्राइस और जिस हिसाब का फैसिलिटी दिया जा रहा है वो एकदम मैच खाता है। आपको पेरेंट्स की तरह केयर किया जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अभी जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं सीधा मैनेजर को कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने पूरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। लाइक मुझे लास्ट वीक डायरिया हुआ था तो मैंने मैनेजर से कांटेक्ट किया, उन्होंने ही पेरेंट्स को बुलाया, कार से मुझे पेरेंट्स ने पिकअप किया और आ गया। और मेरा तबीयत अब ठीक है, वो रेगुलरली पूछते रहते हैं कैसा है तबीयत, नहीं है। ओवरऑल आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको दूसरा हॉस्टल जाने का मन नहीं करेगा। प्लस यहाँ का लोकेलिटी जो है वो बेस्ट है और सबसे अच्छा बात है कि यहाँ का खाना। खाना आपको जो लगता है कि क्या यार बाहर जाएंगे वैसा हॉस्टल वाला खाना मिलेगा, वैसा टाइप का नहीं है। हॉस्टल का खाना और यहाँ का खाना डिफरेंट लगता है। यहाँ का खाना लगता है कि घर जैसा खाना है और आपको पूरा अच्छा से फीलिंग आएगा, और ऐसा कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं। आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे? हाँ, जेई का प्रिपरेशन करते हैं और एज एक्सपेक्टेड मेरा भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। बाधाएँ आती है उसको ओवरकम करते हैं और लगे हैं, बस क्या पता। माहौल कैसा मिल रहा है इस हॉस्टल में? इस हॉस्टल में सबसे अच्छा माहौल है कि इंटरेक्टिव है, अगर आप चाहें तो किसी दूसरे बच्चे से बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मुझे अकेले में पढ़ना है बंद होके रूम में, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे आप देख सकते हैं गेट बंद है तो बाहर का कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, पेड़ पौधे भी हवा कंटिन्यूसली चलती रहती है 24/7, आपको गर्मी का कोई फील नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाइन कट होता है लेकिन इन्वर्टर है यहाँ पे तो इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो जो बच्चे अनअवेयर हैं इस हॉस्टल से उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए सबसे अच्छा बात कि आपको अगर ऐसा हॉस्टल मिले तो बेझिझक ले लीजिए, और प्रेफरेंस रहेगा कि यही हॉस्टल में आएँ, इसका लोकेलिटी, इसका फूड सब कुछ बेस्ट है। और मेरे हिसाब से तो अभी शायद हॉस्टल बुक्ड है सारा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आएँ। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं गार्जियन बॉयज़ हॉस्टल का एसी रूम और यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये डुअल सीटर रूम होने वाला है और भाई है यहाँ पर। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। कैसा लग रहा है आपको गार्जियन बॉयज हॉस्टल में रह के? अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा ही है सब चीज़। क्या कुछ फैसिलिटी मिल रही है आपको यहाँ पे? फैसिलिटी बेड, फर्नीचर, सामान रखने के लिए, खाना पीना टाइम पे मिलता है, एसी हो गया, फ़ैन और स्पेसियस, अच्छा साफ सफाई भी अच्छा रहता है यहाँ का, ठीक है। तो आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, लाइक जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं अवेयर नहीं है उनको कि इस हॉस्टल में गार्जियन बॉयज हॉस्टल में आएंगे तो उनको कैसी फैसिलिटी दी जाएगी, कैसा खाना मिलेगा और यहाँ के हॉस्टल ओनर कैसे हैं, तो आप बताइए। ओनर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, जितना बार जाके बात किया तो आराम से ही बात किया, ऐसा नहीं हुआ कि कभी चल जाओ या कुछ। और खाना वाना टाइम पर मिल जाता है, अच्छा रहता है, शेड्यूल बना हुआ है खाने का। हाँ। और खाना ऐसा नहीं होगा कभी ख़राब लगा। कौन से क्लास में आप? हम 12th प्लस, मतलब 12th इस साल मेरा रिजल्ट आया। तो आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, नीट का प्रिपरेशन करते हैं। कहाँ से? फिजिक्स वाले में पढ़ाई करते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको इस हॉस्टल का माहौल? हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है, डिस्टर्ब करने में जगह भी एकदम शांत रहता है, मोहल्ला भी अच्छा है, आपको भी अब कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं रूम पे। कभी कभी बच्चे शोरगुल भी करते हैं, हॉस्टल ऑनर उनको कैसा रिएक्ट करते हैं? आज तक तो इतना दिन में तो हम कभी तक देखे नहीं किसी को शोरगुल जाते होते हुए। भैया भी जो भी आस पास हैं तो सब शांति से ही रहते हैं अपना, तो हल्ला वल्ला ज़्यादा यहाँ सुने नहीं हूँ आज तक। तो क्या आपका विजन क्लियर है, आपको पटना आकर क्या करना है? हाँ। किस लिए आए हैं आप पटना? हम नीट पास करने के लिए आए थे, नीट क्वालिफाई करने के लिए आए थे, अच्छा नंबर से क्वालिफाई करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आके कहीं दोस्ती यारी के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गर्लफ्रेंड भी है? नहीं। क्या कुछ खास मिल रहा है आपको? रूम मेरा जैसे देख सकते हैं, ये मेरा टेबल है, ये मेरे रूममेट का टेबल है, तो मेरा रूममेट अभी था बाहर है इसीलिए इसका बेड भी ऐसा दिख रहा होगा। ये अलमारी, इसमें सामान वामान रखा हुआ है। इसके अलावा पढ़ते हैं यहाँ पे,
यहाँ बाथरूम हो जाएगा आपका, सेपरेट वॉशरूम मिलती है आपको? हाँ, सेपरेट वॉशरूम मिलती है रूस रूम में। ये दो गेट है? हाँ, इसमें वॉशरूम है इसमें, और उधर उधर बालकनी है। ये बालकनी हो गई? हाँ, यहाँ बालकनी हो गई। ओके, नॉर्थ साइड में पड़ता है तो अच्छा एयर से आता है यहाँ पे भी। तो बालकनी आपको मिलता है तो इससे आपको क्या कुछ ये हो रहा है, फ्रेशनेस अच्छा लगता है इसे पढ़ते पढ़ते? कभी मन किया या सामने मौसम अच्छा रहता है तो यहाँ आके बैठ जाते हैं, या कोई वीडियो लेक्चर देखना होता है तो देख लेते हैं आराम से, और कोई बात नहीं। और पर्सनल बालकनी होना मतलब एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है, आसपास खिड़की भी है तो दोनों साइड से एयर भी आता है तो में फ्रेशनेस बना रहता है। तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? सेटिस्फाइड ठीक है। बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आने को? हाँ, करें, क्यों नहीं करें। आपके हॉस्टल ऑनर कितने आपको कॉपरेट करते हैं? हॉस्टल ऑनर तो कॉपरेट करते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जाके बताते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको ठीक कर दें। मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर है, आपको मैं गारंटी दे कर सकता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ वेल मेंटेन, वेल बिहेवियर आपको मिलता है यहाँ पर, हर चीज़ का फैसिलिटी। क्या कुछ खास माहौल लग रहा है आपको औरों के मुकाबले में यहाँ पे, क्या कुछ खास है? यहाँ हर चीज़ खास ही ब्रदर आपको मिलेगा। आपको खाना से लेकर के, लॉजिंग से लेकर के, रहना से लेकर के, सिक्योरिटी फीचर से लेकर के, हर चीज़ आपको स्पेशल ही है, कुछ अलग है ही नहीं, सब स्पेशल मीन्स स्पेशल। तो आप यहाँ पे क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? यहाँ मैं IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यस, हज़ार रुपये ज़्यादा लगेंगे, 500 या 1000 रुपये। एक बार क्वालिफाई कर लेना IIT और एम्स, फिर भैया इसे 100-100 रुपये लुटा दोगे हज़ार जगह, कोई मतलब नहीं, मैटर नहीं करता है। स्पेंड योर 1000 रुपीज़ फॉर दिस बेस्ट हॉस्टल। सबसे पहले ये चीज़ होता है कि आपका विज़न कितना क्लियर है, कितना डेडिकेशन दिखाना होता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। ड्रीम को अचीव करने का एक ही बस लास्ट पॉइंट है, तपस्या। क्योंकि IIT एक ऐसा जगह है जहाँ अगर आप तपस्या नहीं करते हैं, मतलब इसका मतलब आप आइए बोर्ड की तैयारी कीजिए और घर जाइए। आप यहाँ आइए ही क्यों, घर ही से भाई करो ना बोर्ड की तैयारी, बिकॉज IIT इज़ अ तपस्या। अगर IIT क्वालिफाई कर लेते हो फिर तुम्हारे लाइफ में चार चांद लग जाएगा, लेकिन मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। IIT का मेन फॉर्मूला पता आप लोग क्या है? एक फार्मूला है, क्लियर कंसेप्ट प्लस हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इज इक्वल टू IIT। ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, आपको यहाँ पे हॉस्टल जो ऑनर है आपको कितना कॉपरेट करते हैं? हॉस्टल ऑनर यहाँ बहुत कॉपरेट करते हैं। अगर आप कभी उनको कॉल करते हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। कोई अगर यहाँ प्रॉब्लम होती है, वैसे तो प्रॉब्लम यहाँ होती नहीं है, नो इशू, कोई इशू नहीं। अगर आपको 2 बजे रात को प्रॉब्लम होती है, उसी वक्त आपको रिसॉल्व प्रॉब्लम का मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आ चुके हैं गार्जियन बॉयज़ हॉस्टल के रूम में, और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये डुअल सीटर रूम है। ये कैसा आपका एक्सपीरियंस है गार्जियन बॉयज़ हॉस्टल में? एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा ही है कि हॉस्टल का फैसिलिटी बढ़िया है, खाना का क्वालिटी अच्छा है। क्या करते हैं भैया यहाँ पे आप? हम भैया अभी फिलहाल जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है इस हॉस्टल में? आप जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए आए हैं तो आपको काफ़ी मतलब कि सिंसियर रहना होता होगा, लाइक आपको पढ़ाई लिखाई करना होता होगा, तो यहाँ पर वो माहौल मिल रही है? जी बिल्कुल, वो माहौल मिल रहे हैं। यहाँ के सारे स्टूडेंट भी अच्छे हैं, इको फ्रेंडली है, ठीक है, सबके साथ बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब एक दूसरे से भाईचारा की तरह रहते हैं। इससे पहले आप कहीं और हॉस्टल में रहे? जी इससे पहले हम रहते थे पटना में, अक्सर बहुत सारा हॉस्टल हम घूमे हैं जहाँ पे लगभग हमको रूम पार्टीशन जैसा मिलता था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा घर जैसा माहौल मिलता है, स्पेस है, बालकनी है, अगर पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो बालकनी में जाकर के रिलैक्स हो सकते हैं। अभी हम बात करने वाले एक सीनियर भैया हैं यहाँ पे जो कि UPSC की तैयारी करते हैं, और वो एक बार यहाँ पे रह के फिर से वो दोबारा आए यहाँ पे, तो हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या कुछ खास लगा इस हॉस्टल में कि वो फिर से इस हॉस्टल को विजिट किए और इसमें अभी रह रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल भैया। थैंक यू, थैंक यू। आपको क्या कुछ खास लगा कि आप फिर से इस हॉस्टल में एक बार आए? ऐसा है, ये जिस हॉस्टल में मैं अभी हूँ यहाँ पर, सबसे पहली बात कि यहाँ के जो ऑनर हैं वो बहुत ही नरम स्वभाव के हैं। ओके, और जो उनकी सबसे मुझे अच्छी बात लगी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, उसका कारण ये है कि उनका बच्चों के प्रति जो लगाव है और बच्चों का जो एक सब कुछ पूरा करने की झजक है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। और उसके साथ साथ जो उनको स्ट्रिक्टनेस है, एक कहते हैं कि कहा जाता है कि एक कहावत है या फ्रेज idiom है कि एक हाथ से गाजर देते हैं और दूसरे हाथ से डंडा भी देते हैं, तो वो काम है इनका। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ फ्रीडम, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट इन द सेंस, एंड उसी का कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ और कहीं नहीं जाने के बजाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें।